क्योंकि लड़ाई जातिवादी व्यवस्था की खत्म करने की लड़ाई महाराष्ट्र से भी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही लड़ाई लड़ी थी, सेकुलरिज्म की बात की थी, वही चीज हम लोग यहाँ पे। गोदी मीडिया तो वो बीजेपी के साथी है, वो तो इनके बारे में कुछ बोलते ही नहीं और ना दिखाते, अगर हम बोले तो कहते वी आर एंटी नेशनल। मीडिया तो सब अलग ही बताती है, फिर वो सिंघू बॉर्डर के बारे में हो, गाजीपुर बॉर्डर के बारे में हो, टिकरी बॉर्डर के बारे में, पूरा नेगेटिविटी फैलाती है। नमस्कार, आप कहाँ से? मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा, मुंबई किसने की? वो पहले की जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, तो उस टाइम पे बहुत सारे आत्महत्या हुए थे। महाराष्ट्र का किसान तो वो तो पहले से सबको पता है कि महाराष्ट्र आत्महत्या के लिए मतलब बहुत ही टॉप पे ही था आता है। जब इस देश के अन्नदाता हमारे माता पिता अगर सड़क पे है तो उनके बच्चे घर में कैसे बैठ सकते हैं। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स आए हुए हैं। चलिए पहले डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है और कितने दिन से यहाँ पर है, सारा कुछ। ओके, नमस्कार, आपका शुभ नाम? संजय सिंह। आप कहाँ से आए हो? हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? ये हमारा एक स्टूडेंट का कैंप लगाए हैं हम लोग 28 तारीख से लगातार। 28 कौन से महीने का? 28 जनवरी को। अच्छा। तो हम लोग छात्र लोग दोनों यूपी और दिल्ली के संगठन आके यहाँ पे कैंप डाले, यहाँ पे लाइब्रेरी बनाए, यहाँ पे किफान पाठशाला बनाया, आर्ट गैलरी भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जिसके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार दमन कर रही किसानों का। अच्छा, आपने बुक्स भी रखे हैं? जी जी, हमने बुक्स भी रखे। अच्छा, ये है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, आप वहाँ से आए हो? जी बिल्कुल, ये भारत का पहला छात्र संगठन है जो 1936 में लखनऊ में जिसका गठन हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में यही एक ऐसा संगठन है जो सक्रिय भूमिका में रहा था, आज़ादी की लड़ाई में पूरी पूरी भागीदारी किया था। आज आपने ये जो पगड़ी पहना है, ये क्या किस, ये तो हमारा सरदार का पगड़ी तो है नहीं, पंजाबी पगड़ी नहीं है, ये जैसा कहते हैं ना महाराष्ट्र का पगड़ी है, ये क्या है? जी जी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन महाराष्ट्र का एक जत्था आया है। अच्छा। यूथ का, स्टूडेंट का, उन्हीं लोगों से हमने लेके हमने उनके एक भेंट को स्वीकार किया है कि वो हमारे समर्थन में आए हैं, हम लोग का हौसला अफजाई करने आए हैं, पूरी की पूरी महाराष्ट्र की टीम हमारे साथ आई है। कहाँ से? कोल्हापुर। मैं संदीप कांबळे, मैं सांगली से हूँ, महाराष्ट्र से। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय धोंडे, मैं नासिक से हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप फुंडे, कोल्हापुर से। बेटा आपका नाम? मेरा नाम गणेश धुरे, रत्नागिरी से हूँ। मेरा नाम सचिन गुंजगोरे, मुंबई साइन धारावी। साइन धारावी। सागर मायाश्री कृष्ण कोल्हे, अमरावती। अमरावती। आपका? अजय कोरवी, कोल्हापुर। कोल्हापुर। महालक्ष्मी मंदिर? शाहू महाराज। अच्छा, शाहू महाराज। शाहू महाराज। अच्छा, हमारे राजा है। आप क्या क्या? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए, कोल्हापुर से आए हैं। उसके बाद कोल्हापुर मतलब महालक्ष्मी? या महालक्ष्मी, शाहू महाराज का ये है और महालक्ष्मी है। अच्छा। वहाँ पे कोल्हापुर से है, उसके बाद सांगली से आए हैं, नासिक से आए हैं, अमरावती से आए हैं और उसके बाद ठाणे से आए हैं। अलग अलग जगहों से आए हम लोग, वहाँ पे पहले मुंबई में या महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे आंदोलन किया गया है, फिर उसके बाद सब लोग मिल के हम लोग मुंबई से सब निकले। 8 तारीख को सिंघू बॉर्डर में थे 2 दिन और आज यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में आए सब। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना मीन स्टूडेंट होके आपको ऐसा क्या लगा कि मैं इस आंदोलन में आऊँ? एक्चुअली मैं स्टूडेंट तो हूँ, पढ़ाई के लिए खाना तो लगता है और खाना मतलब भूख तो लगती है, भूख का नाता खाने से, खाने का नाता खेती से और खेती का नाता किसान से, मतलब ये आंदोलन ही मेरा आंदोलन है। मेरा नाता भूख से है, इसका मतलब ही मेरा नाता किसान से होता ही है डायरेक्ट। तो उसी के लिए हम लोग, ये हमारे जैसा कि ये भारत देश ही कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश को कहा जाता है, एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। जब इस देश के अन्नदाता हमारे माता पिता अगर सड़क पे है तो उनके बच्चे घर में कैसे बैठ सकते हैं, तो वही सोचकर हम लोग आज यहाँ पे उनके लिए किसान पुत्र संघर्ष यात्रा करके हम लोग महाराष्ट्र से आज गाजीपुर में आए हैं, गाजीपुर बॉर्डर। आप मुझे एक बताइए, महाराष्ट्र का किसान का क्या हालत है?
महाराष्ट्र का किसान तो वो तो पहले से सबको पता है कि महाराष्ट्र आत्महत्या के लिए मतलब बहुत ही टॉप पे ही था, कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही आत्महत्या हुई थी, मतलब गए 6 साल से तो बहुत ही हुई थी उनके ऊपर, मतलब वादे तो किए थे कि उनके मतलब ये वादे किसने किए, वो पहले की जो सरकार थी बीजेपी की सरकार, तो उस टाइम पे बहुत सारे आत्महत्या हुए थे महाराष्ट्र के अंदर किसानों को। किसान वैसे भी देखो हर एक चीज़, किसान अगर कोई चीज़ अगर उसको बोता है तो उसको लोन लेना पड़ता है, वो लोन लेता था, लेकिन बाद में किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता है खाना, वो खुद के लिए बना के लोगों के लिए बनाता है, लेकिन उनका इतना लोन हो जाता था, लड़की की शादी है, पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई भी इस मोदी सरकार ने महंगी किया है। मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो एक महीने का मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये बच्चों की पढ़ाई में जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखकर किसान, जैसे कि फिर दुष्काल मतलब ये अनसीजनल बारिश होना या फिर ठंडी ज़्यादा होना, धूप ज़्यादा होना, उससे फसल की पूरी खराबी हो जाती है और सारा लोन है वो किसान के ऊपर जाता है, वो लोन नहीं पे कर पाता है और कुछ किसान आत्महत्या का ही एक रास्ता चूज करता है, तो उसी वजह से महाराष्ट्र बहुत ही, और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र भी एक वेल नोन खेती के लिए माना जाता है, तो फिर वो शुगर कैन का खेती हो, शक्कर का हो, या फिर कॉटन कपास का हो, आम के बारे में, या फिर संतरा, सबको पता है ग्रेप्स, नासिक से ग्रेप्स है, अमरावती नागपुर से संतरा है, उसके बाद कोकण से आम अल्फांजो मैंगोज है, उसके बाद कोल्हापुर से गन्ने वगैरह, हर एक चीज़ के लिए महाराष्ट्र खेती के लिए बहुत ही अपे है, और खेती का महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो आंदोलन कैसा है, मतलब यहाँ के जो नेशनल कॉल्स आते हैं ना, वो कॉल्स के ऊपर कंटिन्यू चल ही रहा है। बाकी खेती तो है, जिस तरीके से हर देश में जो किसानों का हाल है वही इन महाराष्ट्र का ही हाल है किसानों का। अभी मैंने देखा है यहाँ पर एक लड़की, युवा लड़की बैठी है, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ से? मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा, मुंबई। तो फिर आप कैसे सोच लिया कि आप इनके साथ जुड़ जाएं? नहीं, जुड़ना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो गॉड फादर है हमारे, वो हमारे लिए फूड सर्व करते, और उनके साथ ना हो तो फिर कैसे होगा, अगर वो ना हो तो हमें खाना कैसे मिलेगा। मुझे एक बात और पूछना है, जब आप लोग यहाँ तक आए हो तो फिर आगे आप लोग क्या सोचा है करने का? हम लोग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर हम लोग ने किसान पुत्र संघर्ष यात्रा निकाली गई थी, और उसके बाद फिर ये यात्रा को हम लोग यहाँ पे आए, कि क्योंकि मीडिया है, मीडिया तो सब अलग ही बताती है, फिर वो सिंघू बॉर्डर के बारे में हो, गाजीपुर बॉर्डर के बारे में हो, टिकरी बॉर्डर के बारे में, पूरा नेगेटिविटी फैलाती है, तो हमने सोचा कि पूरे हम लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, एक मोटिवेशन लेके वापस से हमारे प्रदेश में जाके और लोगों तक, मतलब एक हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस करेंगे कि ये काले कानून कितने खतरनाक है, और इतनी ठंडी में अगर किसान सरहद पे बैठ सकते हैं तो हम घरों से क्यों नहीं निकल सकते, तो यही मूवमेंट को स्टूडेंट्स, हम लोग इस मूवमेंट्स को यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके, कुछ मोटिवेशन लेके, ये मोटिवेशन लेके महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे क्रांति की ज्योत तो जली है, लेकिन ज्योत का एक छोटा सा अंगार यहाँ से हम लेने के लिए निकले हैं, वो अंगार महाराष्ट्र के हर एक धरती के ऊपर छिड़केंगे, और वहाँ पे भी एक क्रांति की आग मतलब आग जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि लोग कहा करते हैं ना कि ये आंदोलन हरियाणवी लोगों का, ये आंदोलन पंजाबी लोगों का, अभी तो बोला था कि ये आंदोलन यूपी वालों का, मतलब 3 राज्यों का है, लेकिन महाराष्ट्र आंदोलन ये हर एक लोगों का है, जो किसान है, जिसका किसान से ताल्लुक है, जिसका खाने से ताल्लुक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों है, सबको पता है कि फांसी के फंदे पे जब शहीद आजम भगत सिंह चढ़े थे तो उनके साथ सुखदेव और राजगुरु थे, राजगुरु महाराष्ट्र से थे, तो जब भगत सिंह का पंजाब और हरियाणा सरहदों पे लड़ रहा है तो राजगुरु का महाराष्ट्र उसके सपोर्ट में आज यहाँ पे खड़ा है, जब गुरु नानक का पंजाब और हरियाणा यहाँ पे लड़ रहा है तो हम संत की भूमि से आते हैं, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत से बहुत सारे संत गुजरे हमारे इधर से, या फिर शिवाजी महाराज से बहुत सारे महाराज गुजरे, उनकी धरती से है, क्योंकि वो धरती प्रोग्रेसिव, महाराष्ट्र को कहा जाता है ना कि प्रोग्रेसिव स्टेट कहा जाता है, क्योंकि लड़ाई जातिवादी व्यवस्था की खत्म करने की लड़ाई महाराष्ट्र से हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही लड़ाई लड़ी थी, सेकुलरिज्म की बात की थी, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे, मोदी जी छत्रपति शिवाजी बीजेपी सरकार 2014 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सरकार सत्ता में आती है, लेकिन उनकी तरह कोई काम नहीं करते किसान, क्योंकि शिवाजी महाराज ने वही कहा था अपने सैनिकों को, वो हमेशा ऐलान करते थे कि आप जब वॉर पे जाओगे तो
किसानों के खेती से नहीं चलना चाहिए घोड़ा, आपका घोड़ा बाजू से चले, किसान के फसल को थोड़ा भी नुकसान नहीं देना चाहिए, अगर देंगे तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। और आज उन्हीं के नाम पे, नाम से सत्ता में आ रहे और किसानों के किस तरीके से किसानों को मार रहे, पानी से मार रहे, आंसू गैस से मार रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे, और यही हुआ कि इस देश में, देश के अंदर एक सरहद बना के बैठे हैं ये लोग, आपस में बहरा है। उन्हीं का बेटा बॉर्डर की उस तरफ खड़ा है और उनका उस वहाँ पे जो जवान है उसका बाप किसान बॉर्डर की इस तरफ खड़ा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके आपस में झगड़ा करने की ये बात है, लेकिन हम इस देश के युवा के नफरत वाली राजनीति से खामोश नहीं होंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और प्यार मोहब्बत की हम राजनीति करेंगे। आप हमें डंडे मारो, हम आपको गुलाब देंगे, आप खिड़े टोको, हम वहाँ पर झाड़ लगाएंगे। यही है हम लोग का रास्ता है कि अहिंसा के मार्ग से हम लोग चलेंगे, गांधी के विचारों के साथ, भगत सिंह के जोश के साथ, अंबेडकर के संविधान के साथ, सावित्री की समानता के साथ और फातिमा के हिम्मत के साथ हम लोग इस आंदोलन में शबा गया। आप हमें डंडे मारो, हम आपको गुलाब देंगे, ये सुनने के लिए कहते हैं ना, ये सुन, सॉरी रेडी ओके, आप हमें डंडे मारो, हम आपको गुलाब देंगे। आपने सुना किस तरह से महाराष्ट्र के आए हुए जत्था ने कहा कि डंडे मारोगे आप, हम आपको प्यार से एक गुलाब दे देंगे। चलिए मिलते बाकी स्टूडेंट से भी। हाँ जी बैठे बैठे बैठे, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम? मेरा नाम अजिंक्य बेर्डे है, मैं कोल्हापुर से हूँ। अच्छा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जब आपने पहला सवाल किया था उसका जवाब मैं अभी दूंगा कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो अभी हम इस आंदोलन में तकरीबन पिछले 15 दिनों से है, पहले 10 दिन हमने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो 5 विभाग है, प्रशासकीय विभाग है, वहाँ पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जत्थे निकाले थे, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो जो दिखाता है, तो उसके वजह से उन्होंने क्या दिखाया था कि ये आंदोलन जो है सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों का है, तो हमारे उधर के लोग भी यही समझते थे। लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से हमने जो जत्थे निकाले, तो उस जत्थे में से हमने सभाएं की, जगह जगह सभाएं की, और उस सभाओं में हमने ये 3 काले कानून क्या है, उनका असर अपने ऊपर क्या पड़ेगा, ये सब लोगों को बता दिया। लोगों में जागृति आ गई और बहुत सारा समर्थन महाराष्ट्र से मिल रहा है, और हर कोई महाराष्ट्र से यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत दूरी पर है, लेकिन हम क्यों है यहाँ पे, हम हमारी शिक्षा और हम हमारा करियर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो बहुत सोच रहे थे आप लोग स्टूडेंट्स हो, एग्जामिनेशंस है, स्टडी है, या यूनिवर्सिटी एडमिशंस है, सारा कुछ है, बहुत सारी जिम्मेदारी है आप लोग के शोल्डर पर, और वो सब छोड़कर आपने यहाँ पर आंदोलन पे आना, मतलब महाराष्ट्र से उठकर सीधा यूपी और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जाना, मतलब मैं वही सोच में पड़ गई थी। हमने हमारे दिल से पूछा तो आवाज़ निकली कि अगर इस क्रांति में अगर हम शामिल नहीं होते हैं तो ये आंदोलन जो है वो क्रांति का आंदोलन है, ये हमारे भविष्य के रोटी का आंदोलन है। अगर भविष्य के रोटी का प्रश्न है तो शिक्षा और हमारा करियर वो अपने आप गायब हो जाता है। अभी हमारे सामने भविष्य की रोटी दिखती है, इसलिए हमने अभी शिक्षा और करियर थोड़ा बाजू में रख के इस क्रांति में भाग लिया है। अच्छा मैडम, आप बॉम्बे जाने के बाद आप क्या बताएंगे, क्या देखा कि क्या बताएंगे आप? हमने जैसे यहाँ देखा है कि ऐसे नहीं है कि बहुत सारे किसान बैठे हैं। Can you speak a little louder? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हैं, ऐसे नहीं है कि 5-6, मतलब आप आपको देखे सब बयान करोगे या yes, गोदी मीडिया को बिलीव करने के लिए बोलेंगे? नहीं, गोदी मीडिया तो वो बीजेपी के साथी है, वो तो इनके बारे में कुछ बोलते ही नहीं और ना दिखाते है। अगर हम बोले तो कहते वी आर एंटी नेशनलिस्ट, स्टूडेंट्स एंटी नेशनलिस्ट है, मतलब प्रोटेस्ट करना इट इज़ आर राइट, हम प्रोटेस्ट कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है टू प्रोटेस्ट। और ये यहाँ पे इतने सारे किसान बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम मर जाए तभी भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जो तो ये सारी बातें आप मुंबई जाके बताएंगे? यस श्योर ऑफ कोर्स। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो मुंबई में? एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। ओ एसएनडीटी, दैट इज श्रीमती नतीबाई दामोदर टेक्रेसी।